चलिए गाइस, फ्लो थ्रू पाइप्स के भी सारे फॉर्मूलाज लिख देते हैं। लिख लीजिए यहां पे u एज अ फंक्शन ऑफ r लिखेंगे। अभी देखते हैं u एज अ फंक्शन ऑफ r का मतलब क्या है। सो u एज अ फंक्शन ऑफ r बनेगा 1/4 μ p1 माइनस p2 बाय l इनटू कैपिटल r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर बाय कैपिटल r स्क्वायर। फिर इसमें जो डिस्चार्ज आएगा वो डिस्चार्ज आएगा 1/8 μ p1 माइनस p2 बाय l इंटू पाई r रेस टू पावर 4। सो मीन फ्लो वेलोसिटी आएगी 1/8 μ p1 माइनस p2 बाय l इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, और मैक्स वेलोसिटी आएगी 1/4 μ पी वन माइनस पी टू बाय एल कैपिटल आर स्क्वायर। फिर प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप को मैं कैसे लिख सकता हूं, 8 μ u l बाय कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बन जाएगा 8 μ u l बाय रो जी आर स्क्वायर। और फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स जो u मीन और u मैक्स का रेशियो होता है वो 1/2 होता है। सारे फॉर्मूलास को नोट कर लीजिए, सारे फॉर्मूलास को नोट कर लीजिए। ये हमने क्या लिखा है, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स लिखा है। ये हमने क्या बताया, लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स। अब जरा देखिए, सो बाकी टर्म्स तो इजी हैं। यू एज अ फंक्शन ऑफ आर देख लेते हैं कि यू एज अ फंक्शन ऑफ आर का मतलब क्या है। So, ये देखिए, u as a function of r का मतलब है कि भैया अगर आपके पास एक पाइप है, ठीक है, ये उस पाइप की सेंटर लाइन है और पाइप का रेडियस है कैपिटल r। पाइप का रेडियस कितना है, कैपिटल r। इस पाइप से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू। पाइप के इनलेट पे प्रेशर लगाया p1, आउटलेट पे प्रेशर लगाया p2। सो क्या होगा, अगर मैं ये पॉइंट लूंगा जिसका डिस्टेंस है स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर लाइन, जिसका डिस्टेंस है स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर लाइन, सो यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी u, जिसको मैं लिखूंगा 1/4 μ p1 माइनस p2 बाय l कैपिटल r स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल r स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले का मतलब है कि सेंटर लाइन से अगर कोई पॉइंट है स्मॉल r डिस्टेंस पे तो वहां पे वेलोसिटी इतनी होगी। और दरअसल ये सारे पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम होगी, इन सभी पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम होगी। दिस इज u एज अ फंक्शन ऑफ r, इन सभी पॉइंट्स पे वेलोसिटी सेम होगी। अब जो सेंटर पॉइंट है वो सॉलिड सरफेस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होगी, जीरो होगी। सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी, वो सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, एक ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कभी एक मॉडिफिकेशन आ सकती है। वो मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है कि आपका पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टल ना होके इंक्लाइंड होगा। तो अगर पाइप हॉरिजॉन्टल ना होके इंक्लाइंड होगा, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी आएंगी, है ना। सो एक्स के अलोंग सिर्फ प्रेशर और विस्कस फोर्स नहीं होगा, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। उस केस में हमें क्या करना है, जहां पे भी आपके पास टर्म है पी, वहां पे आप P को P स्टार से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, P स्टार से रिप्लेस करेंगे। और P स्टार क्या होता है, P स्टार होता है P प्लस रो जी y, P स्टार होता है P प्लस रो जी y। जहां जहां भी आपके पास टर्म आ रही है P, वहां पे आप P को P स्टार से रिप्लेस कर देंगे फोर्सेस में, मेरा मतलब है फोर्सेस में। जैसे यहाँ पे P आ रहा है ना, तो यहाँ पे P1 स्टार आ जाएगा, यहाँ पे P2 स्टार आ जाएगा। सो उस केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा u इज इक्वल टू 1/4 μ P1 star minus P2 star by L,
कैपिटल आर स्क्वायर बाय वन माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें पी वन स्टार क्या बनेगा, पी वन स्टार बनेगा प्रेशर एट वन प्लस रोजी वाई वन, और पी टू स्टार क्या बनेगा, प्रेशर एट टू प्लस रोजी वाई टू। ठीक है, अब इसमें जब आप इसको डालेंगे तो रोजी वाई वन माइनस रोजी वाई टू वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉम्पोनेंट देगा, किसका कॉम्पोनेंट देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉम्पोनेंट देगा। सो ध्यान रखना है कि जब भी P1 स्टार माइनस P2 स्टार जब भी आपके पास इंक्लाइंड पाइप है या इंक्लाइंड पैसेज है तो फोर्सेस में जहां भी आप ये मीन फ्लो वेलोसिटी लिख रहे हैं, डिस्चार्ज लिख रहे हैं, है ना, यू मैक्स लिख रहे हैं या फिर ये हेड लॉस लिख रहे हैं, वहां पे क्या होगा, P1 माइनस P2 जो है वो P1 स्टार माइनस P2 स्टार बन जाएगा। इन सारे फॉर्मूलाज में P1 माइनस P2 प्रेशर फोर्स बताएगा और रो जी Y1 माइनस Y2 आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ी सी एक और मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, जो मॉडिफिकेशन मेरे ख्याल से मॉडिफिकेशन की बजाय पहले हम कुछ आगे काम कर लेते हैं, फ्लो थ्रू पाइप से रिलेटेड काम कर लेते हैं। ठीक है, सो फ्लो थ्रू पाइप्स, अगर पाइप्स में लेमिनार फ्लो हो रहा है तो उस केस में मैंने आपको फॉर्मूलास लिखवा दिए हैं। सो एक बार हम पाइप के अंदर जो लॉसेस होते हैं उनकी बात करते हैं। किन की बात करेंगे, हम पाइप के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं। सो आप एक टॉपिक का नाम लिख सकते हैं लॉसेस इन पाइप्स। अब देखिए हमारे शहरों में, सो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली पाइप से रिलेटेड जो फॉर्मूलास है वो बता रहा हूं आपको। So, अगर पाइप में लेमिनार फॉर्मूला लेमिनार फ्लो हो तो वो हमने सारे फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, उनकी डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपने फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स की डेरिवेशन की थी। ठीक है, सो अगर पाइप में लेमिनार फ्लो है उसके हमें फॉर्मूलाज पता लग गए हैं। मगर क्या होता है कि जैसे हमारे घरों में, शहरों में, फैक्ट्रीज में, एसी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर पाइप्स का एक जंजाल होता है ना। सो वहां सिंगल पाइप नहीं होती, वहां मल्टीपल पाइप्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। कहीं पे पाइप में वॉल्व लगा होता है, कहीं पे पाइप का एरिया एकदम से बढ़ जाता है, कहीं पे पाइप का एरिया एकदम से घट जाता है, कहीं पे पाइप जो है किसी रिजर्वायर में पानी को रिलीज कर रही है, कहीं पे पाइप रिजर्वायर से पानी खींच रही है। तो इस तरह से पाइप का नेटवर्क्स है और पाइप में फिटिंग्स हैं। तो कई जगह पे पाइप सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस में अरेंज्ड होंगी और पाइप्स के बीच में, पाइप्स के अंदर विद इन फिटिंग्स होंगी, है ना। फिटिंग्स क्या हो सकती हैं, जैसे एरिया का एक्सटेंशन हो रहा है, एकदम से एरिया एक्सपैंड कर रहा है। फिटिंग क्या हो सकती है, एकदम से एरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कोई वॉल्व लगा हुआ है, कोई टैप लगी हुई है ना, तो इस तरह से अटैचमेंट्स होती हैं। सो क्या होता है, ये किसी भी पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो के दौरान जो लॉसेस होते हैं वो हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला लॉस तो होता है मेजर लॉस, पहला लॉस क्या होता है, मेजर लॉस, और दूसरा लॉस होता है माइनर लॉस। ठीक है, अब मेजर लॉस तो वही है जो अभी आपने कैलकुलेट किया, यानी कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो भी आपने कैलकुलेट किया ना, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि फ्लूइड की विस्कोसिटी के कारण जो लॉस हो रहा है, फ्लूइड की विस्कोसिटी के कारण जो लॉस हो रहा है। और माइनर लॉस क्या है, पाइप में किसी तरह का अटैचमेंट है उसके कारण, यानी कि पाइप की ज्योमेट्री में सडन चेंज आ रहा है। सडन चेंज का मतलब कोई वॉल्व लगा हुआ है, सडन चेंज का मतलब एकदम से एरिया एक्सपैंड कर रहा है, एकदम से एरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सो माइनर लॉसेस का मतलब क्या है, पाइप अटैचमेंट्स के कारण, पाइप अटैचमेंट्स के कारण, जैसे कि सडन एक्सपेंशन इन एरिया, जैसे कि सडन एक्सपेंशन इन एरिया, सडन कॉन्ट्रैक्शन पाइप वॉल्व्स, वॉल्व्स टी जॉइंट्स बेंड्स, टी जॉइंट्स बेंड्स। जब पाइप में इस तरह की फिटिंग्स रहेंगी तो उनमें एडिशनल लॉसेस दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए जो मेजर लॉस है, जो मेजर लॉस है उसे हम एक इक्वेशन से डिपिक्ट कर सकते हैं जिसको आप बोलते हैं डार्सी वीशबैक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, डार्सी वीशबैक इक्वेशन। और डार्सी वीशबैक इक्वेशन क्या कहती है कि भैया फ्लो चाहे कैसा भी हो, एचएफ को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं।
जिसमें एफ डैश जो है, एफ डैश जो है वो फ्रिक्शन फैक्टर कहलाता है। और ये एफ डैश दरअसल 4 times F होता है, और F क्या है? स्किन फ्रिक्शन कॉफिशियंट। स्किन फ्रिक्शन कॉफिशियंट, इसमें V मतलब U, मीन फ्लो वेलोसिटी। ओके, डार्सी विशबैक इक्वेशन क्या कहती है कि अगर एक पाइप है जिसका डायमीटर है डी, उस पाइप की लेंथ है एल, और उस पाइप में जो मीन फ्लो वेलोसिटी है कैपिटल यू, तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन लॉस होगा वो बन जाएगा एफ डैश एल वी स्क्वायर बाय 2gd, जिसमें एफ डैश जो है वो फ्रिक्शन फैक्टर है, और एफ डैश दरअसल 4 times फ्रिक्शन, स्किन फ्रिक्शन कॉफिशियंट होता है। स्किन फ्रिक्शन कॉफिशियंट क्या होता है? वॉल शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डायनेमिक प्रेशर ऑफ फ्री स्ट्रीम, है ना। अब पर्टिकुलरली फॉर लेमिनार फ्लो, कौन से फ्लो के लिए? लेमिनार फ्लो के लिए। सो अभी तक मैंने आपको ना वो कंडीशंस नहीं बताई हैं जब पाइप के अंदर लेमिनार फ्लो होता है। सो दरअसल होता क्या है कि अगर पाइप के अंदर जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 2300 से कम है, किससे कम है? 2300 से कम है, तो पाइप के अंदर जो फ्लो होगा वो लेमिनार होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 6000 से ज्यादा है तो पाइप के अंदर जो फ्लो बनेगा वो टर्बुलेंट फ्लो बनेगा, ठीक है। किसके लिए? पाइप के लिए। पहले जो मैंने आपको रेनॉल्ड्स नंबर लिखवाए थे वो फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट के ऊपर जो बाउंड्री लेयर बनती है उसके लिए लिखवाए थे। अब जो मैंने आपको रेनॉल्ड्स नंबर लिखवाए हैं वो डेवलप्ड फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए लिखवाए हैं। किसके लिए? डेवलप्ड फ्लो थ्रू पाइप्स, डेवलप्ड फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए। यानी कि हम एंट्रेंस रीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम डेवलप्ड रीजन की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड फ्लो की बात कर रहे हैं। तो डेवलप्ड फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर 2300 से ज्यादा होगा तो आपके पास जो है लेमिनार फ्लो बन जाएगा, और इससे कम होगा तो लेमिनार फ्लो बन जाएगा, और 6000 से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। और पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर लिखते कैसे हैं? लिखते हैं रो इंटू मीन फ्लो वेलोसिटी इंटू डायमीटर बाय म्यू। इस तरीके से आप रेनॉल्ड्स नंबर लिखते हैं। इसके लिए डेवलप फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आपके पास लेमिनार फ्लो हो, कैसा फ्लो हो? लेमिनार फ्लो हो, सो उस केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर आता है दैट इज 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर, यानी कि जो फ्रिक्शन कॉफिशियंट बन जाएगा वो बन जाएगा 16 बाय रेनॉल्ड्स नंबर। यानी कि फ्रिक्शन कॉफिशियंट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 16 बाय रेनॉल्ड्स नंबर। और आप मेरे को बोलेंगे एफ डैश है क्या? दरअसल एफ डैश एक फैक्टर है जो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, फ्लूइड की वेलोसिटी पे, फ्लूइड की डेंसिटी पे, सॉलिड सरफेस पे, मतलब जो पाइप का जो सरफेस है उसकी रफनेस पे, ठीक है, काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और इंजीनियर्स क्या करते हैं, एक चार्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मूडीज चार्ट। तो वो उस मूडी चार्ट की मदद से एफ डैश की वैल्यू लिखते हैं, वो देखते हैं कि फ्लो कैसा है, फ्लूइड कैसा है, फ्लूइड की वेलोसिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली मूडी चार्ट से फ्रिक्शन फैक्टर निकाल लेते हैं। मगर आपके क्वेश्चंस में, गेट के क्वेश्चंस में फ्रिक्शन फैक्टर दिया रहेगा, ठीक है। सो क्या होता है, जब आपके पास लेमिनार फ्लो होता है तो फ्रिक्शन फैक्टर रहता है 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर। आइए देख लेते हैं कैसे। अभी हमने लेमिनार फ्लो के लिए एचएफ लिखा था। किसके लिए एचएफ लिखा था? लेमिनार फ्लो के लिए। सो मैंने क्या लिखा, लेमिनार फ्लो के लिए जो एच एफ होता है वो होता है 8μUL बाय रो जी आर स्क्वायर होता है ना। ये लेमिनार फ्लो के लिए लिखा है स्पेसिफिकली, प्लीज नोट कीजिए। ये वाला जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये ओनली लेमिनार फ्लो के लिए है थ्रू पाइप्स। ठीक है, अब एक काम करता हूं, डार्सी विशबैक इक्वेशन दरअसल किसी भी फ्लो के लिए वैलिड है, चाहे टर्बुलेंट फ्लो हो या लेमिनार फ्लो, किसी भी फ्लो के लिए, ठीक है। फ्लो के अकॉर्डिंगली एफ डैश की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले को डार्सी विशबैक की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। सो मुझे कैपिटल आर को क्या लिखना पड़ेगा? डायमीटर लिखना पड़ेगा, है ना। सो आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? डी बाय फोर, टू यानी डी स्क्वायर बाय फोर।
सो 4 ऊपर जाएगा तो 32 बन जाता है. सो 32 म्यू यू एल बाय रो जी बाय रो जी अपॉन डी स्क्वायर बन गया. ठीक है. सो यहां पे क्या है, यहां पे डायमीटर की सिंगल टर्म है ना. सो मैं इसी को ऐसा करता हूं, इसी को ऐसा लिख देता हूं, म्यू को बाहर ले आता हूं, रो को बाहर ले आता हूं और एक डी को भी बाहर ले आता हूं और यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यू से डिवाइड कर देता हूं. ठीक है. सो 32 अब यू से मल्टीप्लाई किया, यू से डिवाइड किया तो इधर यू स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे एल आ जाएगा और एक जी भी है और एक डी भी है ना. इस तरीके से 32 को आगे लिख लेता हूं. देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यू से मल्टीप्लाई किया, यू से डिवाइड किया तो यहां यू स्क्वायर बनेगा. एक डी को इधर लिख लिया, एक डी को इधर रहने दिया और जी को इधर ले आया. ठीक है. और अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया. सो ये देखिए ए, ये क्या बन गया, 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर इनटू यू स्क्वायर इनटू एल बाय डी इनटू यू स्क्वायर बाय 2g. अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, एल बाय डी यू स्क्वायर बाय 2g यू स्क्वायर बाय 2g एफ डैश 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर. सो जब भी आपके पास लेमिनार फ्लो हो आप एफ डैश की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर और उसके अकॉर्डिंगली एचएफ की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ डैश एल यू स्क्वायर बाय 2g डी एफ डैश एल यू स्क्वायर बाय 2g डी. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. सो जब भी हम मेजर लॉस बताते हैं, सो मेजर लॉस हम बताते हैं विद हेल्प ऑफ डार्सी वीशबैक इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन की मदद से, डार्सी वीशबैक इक्वेशन की मदद से. डार्सी वीशबैक इक्वेशन लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दोनों के लिए वैलिड है. तो लेमिनार फ्लो के केस में एफ डैश जो होता है वो 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर होता है और हमने लेमिनार फ्लो के लिए अलग से भी फॉर्मूला लिखा है जो कि डिराइव किया जा सकता है. वो क्या बनेगा, 8 म्यू यू एल बाय रो जी आर स्क्वायर. इसी चीज को आप डायमीटर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. ओके, आई रिपीट अगेन, बहुत इजी है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं. देखिए जब भी आपके पास फ्लो थ्रू पाइप है या फ्लो थ्रू पैसेज है, सो उस पैसेज में दो तरह की लॉसेज होंगे, एक तो फ्रिक्शन के कारण जिसको हम बोलेंगे मेजर लॉस और एक फिटिंग के कारण. जैसे आपके पास एक छोटे डायमीटर का पाइप है और फिर बड़े डायमीटर का पाइप है तो एकदम से एरिया एक्सपैंड कर रहा है. आपके पास एक बड़े डायमीटर का पाइप है, छोटे डायमीटर का पाइप है, एकदम से एरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उनके कारण भी कुछ लॉसेस होंगे. अभी हम मेजर लॉस की बात कर रहे हैं तो मेजर लॉस को हम दो इक्वेशंस की मदद से लिखते हैं. एक होती है डार्सी वीशबैक इक्वेशन और एक होती है शेजी कॉन्स्टेंट फॉर्मूला. सो शेजी कॉन्स्टेंट फॉर्मूला कुछ ऐसा है. ठीक है. शेजी फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है. शेजी फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन लिखना हो, क्या लिखना हो, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन लिखना हो, सो वो किसके बराबर होता है, सी अंडर रूट ऑफ ए बाय टी इनटू एचएफ बाय एल के बराबर होता है. मीन फ्लो वेलोसिटी जो है वो शेजी कांस्टेंट इनटू एरिया बाय पी. एरिया बाय पी को आप हाइड्रोलिक डेप्थ भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी बोलते हैं, इनटू एचएफ बाय एल. और एचएफ बाय एल क्या है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ. ठीक है. सो उस हिसाब से अगर मैं हेड लॉस का फॉर्मूला लिखूंगा, सो हेड लॉस क्या बन जाएगा, हेड लॉस बन जाएगा, मेरे ख्याल से हेड लॉस बन जाएगा v बाय c का होल स्क्वायर इनटू l इनटू l p l p बाय a. ओके, ये आपके पास हेड लॉस का फॉर्मूला आ जाएगा. सो हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं जिनकी मदद से हम ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन लिखते हैं. एक है डार्सी वीशबैक इक्वेशन, एक है शेजी फॉर्मूला. और डार्सी वीशबैक इक्वेशन ज्यादा फेमस है. आपके पास ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा 99.99% अगर क्वेश्चन आता है वो डार्सी का ही आएगा, शेजी का आएगा, उसके चांसेस नेग्लिजिबल है. सो एचएफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे लिखते हैं, एफ डैश एल वी स्क्वायर बाय 2g डी. इसमें एफ डैश क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ पैसेज, डी क्या होता है, पाइप की बात कर रहे हैं तो डायमीटर, और यू क्या होता है, मीन फ्लो वेलोसिटी. अब ये जो इक्वेशन है ये टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो दोनों के लिए वैलिड है. मगर अभी हमने लेमिनार फ्लो का फॉर्मूला लिखा था, लेमिनार फ्लो का फॉर्मूला हमने लिखा था 8 म्यू यू एल बाय रो जी आर स्क्वायर. सो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा,
सो मैं क्या करूंगा, इसको लेमिनार फ्लो के फॉर्मूला को इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूं। तो पहले तो देखिए यू का स्क्वायर है, तो यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू से डिवाइड कर दीजिए, यू का स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे डायमीटर है तो आर की जगह डायमीटर लिख दीजिए। तो इस तरीके से जब आप मोल्ड करेंगे, यू स्क्वायर बाई टू जी को इकट्ठा करेंगे, एल बाई डी को इकट्ठा करेंगे, तो आपके पास रह जाएगा 64 म्यू बाय रो यू डी। मगर रो यू डी बाय म्यू तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, तो आपके पास फाइनली रह गया 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर इंटू एल बाई डी इंटू यू स्क्वायर बाय टू जी। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, एल बाई डी कॉमन है, यू स्क्वायर बाय टू जी कॉमन है, सो एफ डैश क्या आ गया, 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर। So, जब भी हम डार्सी वीचबैक इक्वेशन यूज कर रहे हैं फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स, फॉर लेमिनार फ्लो फ्रिक्शन फैक्टर 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर आएगा। और ध्यान रखना है फ्रिक्शन फैक्टर और फ्रिक्शन कोफिशिएंट फर्क है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, वॉल शेयर स्ट्रेस बाय डायनेमिक प्रेशर, है ना। सो फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो 4 टाइम्स फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। अब इंजीनियर्स फ्रिक्शन फैक्टर को कैसे निकालते हैं, मूडीज चार्ट से निकालते हैं। और सिविल इंजीनियर सिविल के सिलेबस में मेरे ख्याल से मूडीज चार्ट पढ़ते भी है, आपके गेट के सिलेबस में नहीं है, सिविल मैकेनिकल दोनों में। मगर सेमेस्टर सिलेबस की बात करो, सेमेस्टर सिलेबस में आप पढ़ते हैं मूडीज चार्ट से एफ डैश लिखते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम्स में आपको एफ डैश डायरेक्टली दिया जाएगा, ठीक है। अब सेम हेड लॉस को हम शेजी फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। शेजी फॉर्मूला क्या कहता है, मीन फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू शेजीज कांस्टेंट, ये शेजी कांस्टेंट है, इनटू एरिया बाय पैरामीटर इनटू एचएफ बाय एल का अंडर रूट। तो एचएफ का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूलाज जो हैं नोट कर लीजिए। अब एक बार माइनर लॉसेस की बात करते हैं, डो नॉट वरी, आज एक काम करते हैं ये फॉर्मूलाज लिख लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे सारी चीजों के। अब माइनर लॉसेस की बात करते हैं। सो देखिए माइनर लॉस में सबसे पहला लॉस है एक्सपेंशन लॉस। वो क्या कहता है कि भैया आपके पास एक पाइप है जिसका डायामीटर है d1 और उसका अपस्ट्रीम सेक्शन जो है एकदम से बढ़ जाता है d2। सो अगर हम फ्लो के अंदर जो स्ट्रीमलाइंस हैं उनको देखेंगे तो स्ट्रीमलाइंस हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगी, यानी कि ये वाला जो साइड पोर्शन है यहां पे जो फ्लूइड है वो फंसा रह जाएगा और वो फ्लूइड कुछ इस तरीके से चर्न करने लग जाएगा, इस तरीके से ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, कुछ एडी मोशन जनरेट करेगा। सो यहां जो टर्बुलेंस आ रही है उस टर्बुलेंस के कारण आपको कुछ लॉसेस दिखाई देंगे, ठीक है। और उन लॉसेस को हम बोलेंगे एक्सपेंशन लॉसेस, उन लॉसेस को आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन लॉसेस बोलेंगे। सो वो एक्सपेंशन लॉसेस कैसे लिखते हैं, मान लीजिए यहां पे फ्लो वेलोसिटी है v1 और यहां पे फ्लो वेलोसिटी है v2। सो आपके जो एक्सपेंशन लॉसेस लिखे जाते हैं वो होते हैं v1 माइनस v2 होल स्क्वायर बाय 2g के बराबर। जहां भी आपका पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एकदम से इंक्रीज कर रहा है वहां पे आपको एक्सपेंशन लॉसेस दिखाई देंगे जो कि v1 माइनस v2 होल स्क्वायर बाय 2g के बराबर होंगे, ठीक है। v1 क्या है, v1 यहां पे डाउनस्ट्रीम सेक्शन में अपस्ट्रीम सेक्शन में मीन फ्लो वेलोसिटी है, v2 क्या है, डाउनस्ट्रीम सेक्शन में मीन फ्लो वेलोसिटी है। अब एक चीज नोट करनी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, a1 v1 = a2 v2, है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, इसका मतलब आप v2 को v1 की टर्म्स में लिख सकते हैं। सो आप क्या कहेंगे, v2 = a1 v1 by a2। उस हिसाब से h expansion क्या बन जाएगा, h expansion बन जाएगा v1 माइनस a1 v1 by a2 का होल स्क्वायर, a1 v1 by a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। अब v1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सो आपके पास आ गया 1 माइनस a1 by a2 का होल स्क्वायर into v1 स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है
1 माइनस ए वन बाय ए टू होल स्क्वायर, इसको आप एक्सपेंशन लॉस कॉफिशियंट बोलते हैं, एक्सपेंशन लॉस कॉफिशियंट। सो अगर आपको एरियाज दे रखे हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्सपेंशन लॉस कॉफिशियंट, और कई बार कॉफिशियंट की वैल्यूज जो है वो डायरेक्टली दी होती है न्यूमेरिकल्स में। अगर एरियाज दिए हुए हैं तो एक्सपेंशन लॉस कॉफिशियंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और कई बार एक्सपेंशन कॉफिशियंट की वैल्यू डायरेक्टली भी दी होती है। अब मान लीजिए जो ए टू है वो बहुत लार्ज है, जैसे कि आपके पास एक पाइप है जो एक रिजर्वॉयर में फीड कर रही है, रिजर्वॉयर में पानी डिस्चार्ज कर रही है। सो आपके पास ये इनकमिंग पाइप है, ये इनकमिंग पाइप है और ये रिजर्वॉयर में डिस्चार्ज फीड कर रही है, ठीक है ऐसे। सो उस केस में ए टू कैसा होगा, पाइप का तो एरिया ए वन है और रिजर्वॉयर का एरिया ए टू है, तो ए टू विल बी वेरी लार्ज। सो व्हेन ए टू विल बी वेरी लार्ज, ए वन बाय ए टू विल बी नेग्लिजिबल। सो आपके पास एच एक्सपेंशन जो आएगा उस केस में, एच एक्सपेंशन बन जाएगा वी वन स्क्वायर बाय टू जी बन जाएगा, है ना। कहने का मतलब जो इनकमिंग फ्लूइड है उसका सारा काइनेटिक हेड है ना, ये इनकमिंग फ्लूइड का काइनेटिक हेड है, इनकमिंग फ्लूइड का सारा काइनेटिक हेड जो है एक्सपेंशन के अगेंस्ट लूज हो गया है। और वैसे बात सही भी है, क्योंकि जब पानी पाइप से रिजर्वॉयर में जाएगा तो पाइप के पानी की जो है वेलोसिटी एकदम से घट जाएगी, पानी जो है डीएक्सेलरेट कर जाएगा और रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो उस केस में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा काइनेटिक हेड जो है वो एक्सपेंशन के अगेंस्ट लॉस हो रहा है। इस केस को आप बोलते हैं एग्जिट लॉस, जब आपकी पाइप जो है एक रिजर्वॉयर में फीड करती है, when the pipe feeds in the reservoir, इसको आप बोलते हैं expansion loss। उस केस में incoming fluid का सारा kinetic head जो है वो expansion के against lose हो जाता है, okay? So this is the expansion loss, जहाँ पे upstream, incoming pipe एक बड़ी pipe के साथ connected हो। इसका उल्टा भी हो सकता है, incoming pipe का area large है, outgoing pipe का area small है, so वहाँ पे आपको contraction loss दिखाई देगा। contraction loss लिख देते हैं, सो माइनर लॉसेस में जो सेकंड लॉस है आपके पास कॉन्ट्रैक्शन लॉस है, कॉन्ट्रैक्शन लॉस में क्या होगा, आपके पास पाइप जो है, इनकमिंग पाइप जो है उसका डायमीटर लार्ज है, मगर वो पाइप एक छोटे डायमीटर की पाइप से कनेक्टेड है। सो ये डायमीटर हम लिख देते हैं डी वन, ये डायमीटर हम लिख देते हैं डी टू। So, क्या होगा, फ्लो के अंदर जो स्ट्रीमलाइंस होंगी वो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे कन्वर्ज होके डाइवर्ज होंगी, स्ट्रीमलाइंस जो होंगी ऐसे कन्वर्ज होके डाइवर्ज होंगी, है ना। इनिशियली वो कन्वर्ज होंगी छोटे डायमीटर की पाइप में जाने के लिए, मगर अपने इनर्शिया के कारण और कन्वर्ज होंगी और फिर डाइवर्ज होने लग जाएंगी। सो ये जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन जहां पे बनता है उसको आप बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा, मिनिमम क्रॉस सेक्शन को आप क्या बोलते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। और यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं वो एक्चुअली आपको दो जगह दिखाई देते हैं, एक तो यहाँ पे भी लॉसेस दिखाई देते हैं और दूसरा इधर भी लॉसेस दिखाई देते हैं। कहने का मतलब एक्सपेंशन लॉस के केस में जो लॉस है वो सिर्फ अपस्ट्रीम पाइप में दिखाई दे रहा है, मगर कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो लॉस है वो अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउनस्ट्रीम पाइप में दिखाई दे रहा है, एक्सपेंशन लॉस के केस में जो लॉस है वो सिर्फ डाउनस्ट्रीम पाइप में दिखाई दे रहा है ना, डाउनस्ट्रीम पाइप में दिखाई दे रहा था, मगर कॉन्ट्रैक्शन के केस में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों पाइप्स में लॉस दिखाई देता है। और ये वाला जो लॉस है एक्चुअली कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ये वाला लॉस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। सो जैसे आप एक्स एक्सपेंशन को लिखते हैं के एक्सपेंशन इंटू वी स्क्वायर बाय टू जी, वैसे ही यहाँ पे हम एच कॉन्ट्रैक्शन को लिखेंगे के कॉन्ट्रैक्शन into v2 square by 2g। Please note कीजिए, हम expansion loss को incoming velocity की terms में define करते हैं, मगर contraction loss को outgoing velocity की terms में define करते हैं। Okay, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, expansion loss को incoming velocity की terms में और contraction loss को outgoing velocity की terms में define करते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ k contraction होता क्या है? दरअसल के कॉन्ट्रैक्शन जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाय सीसी माइनस 1, और सीसी जो है दैट इज इक्वल टू एसी बाय ए टू।
यानी कि एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टर एसी, एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टर एसी बाय ए टू, जो कि एरिया ऑफ डाउनस्ट्रीम पाइप है, एरिया ऑफ डाउनस्ट्रीम पाइप है। और इसमें एसी की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ही पता लगेगा। इसलिए जहां भी आप इस तरह की फिटिंग्स लेते हैं तो जो बेसिकली जो कंपनी होती है जो फिटिंग्स प्रोवाइड करती है वो एक्सपेरिमेंट्स की मदद से आपको बताती है कि के कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगा। क्यों? क्योंकि वीना कॉन्ट्रैक्टर को लोकेट करना और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो एक्चुअल में के कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, 1/cc-1 का होल स्क्वायर होता है। और इसमें cc क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टर टू द एरिया ऑफ डाउनस्ट्रीम पाइप, एरिया ऑफ डाउनस्ट्रीम पाइप। ठीक है, बाकी आपको इन चीजों की दिक्कत नहीं होगी, आपको इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि भैया जब मैं हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन लिखता हूँ वो v1-v2 का होल स्क्वायर बाय 2g होती है, यानी कि एक्सपेंशन इनटू v1 स्क्वायर बाय 2g। आप उसको इनकमिंग वेलोसिटी की टर्म्स में लिखेंगे और k एक्सपेंशन आसान है, 1-a1/a2 का होल स्क्वायर, है ना, 1-a1/a2 का होल स्क्वायर। मगर k कॉन्ट्रैक्शन आप किसके टर्म्स में लिखते हैं, v2 स्क्वायर बाय 2g के टर्म्स में लिखते हैं और ये k कॉन्ट्रैक्शन आपको दिया रहेगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आपके पास एक बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है और उस रिजर्वायर में से पानी जो है एक पाइप के अंदर जाता है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे आपको जो k कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, यहां पे जो आपको k कॉन्ट्रैक्शन मिलता है वो बन जाता है 0.5। क्या बन जाता है, 0.5, और इसको हम बोलते हैं एंट्री लॉस। क्या बोलते हैं, एंट्री लॉस। जब एक बहुत बड़े रिजर्वायर से एक पाइप में पानी जा रहा है उसके लिए के कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.5, एंट्री लॉस। बाकी एंट्रेंस को स्मूथ बना के, जैसे बेल माउथ एंट्रेंस देके, राउंड एंट्रेंस देके के कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज भी किया जा सकता है। एंट्रेंस को स्मूथ बना के यानी बेल माउथ एंट्रेंस देके के कॉन्ट्रैक्शन को कम भी किया जा सकता है। मगर अगर शार्प पाइप है, ठीक है, ये शार्प कॉर्नर्स हैं, तो जो एंट्री लॉस होगा उस केस में के की वैल्यू आप 0.5 लेंगे। और जैसे एक्सपेंशन लॉस है, कॉन्ट्रैक्शन लॉस है, उसी तरह बाकी लॉसेस के लिए भी, जैसे बेंड्स, वॉल्स, टैपिंग्स, टी जॉइंट्स, इन सभी के लिए भी आप लॉसेस लिखते हैं कैसे, के इंटू वी स्क्वायर बाय 2g। वी क्या है, मीन फ्लो वेलोसिटी थ्रू द अटैचमेंट। के क्या है, मीन फ्लो वेलोसिटी थ्रू द अटैचमेंट। ठीक है, सो इन लॉसेस को नोट करके रखिए क्योंकि कल न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। जैसे मतलब हमने अभी क्या किया, अगर फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स हो तो क्या फॉर्मूलेज आएंगे, उसी तरह अगर फ्लो थ्रू पाइप्स हो तो क्या फॉर्मूलेज आएंगे। तो हम जनरली देखते हैं हम फ्लो थ्रू पाइप से घिरे हुए हैं, हर जगह बहुत सारी पाइप्स हैं जो जिनमें तरह तरह की अटैचमेंट्स हैं और वो पाइप आपस में भी कनेक्टेड होती हैं, उनके बीच में सीरीज कनेक्शन होते हैं, उनके बीच में पैरेलल कनेक्शन होते हैं। ठीक है, सो आइए एक बार सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी लिख लेते हैं। सो हम लिखेंगे पाइप नेटवर्क्स, पाइप नेटवर्क्स में पाइप्स इन सीरीज, पाइप्स इन पैरेलल। सो कल जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आई मीन नेक्स्ट क्लास में, उन न्यूमेरिकल्स की मदद से ये सारे फॉर्मूला समझ आ जाएंगे कि ये फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है। ठीक है, अभी के लिए फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम इन फॉर्मूलाज को समझ लेंगे। सो पाइप नेटवर्क्स, पाइप नेटवर्क्स का मतलब है पाइप्स इन सीरीज, पाइप्स इन पैरेलल। सो बेसिकली आपके पास मल्टीपल पाइप्स हैं जो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। So, ये आपके पास है पाइप 1, ये आपके पास है पाइप 2, पाइप 3। पाइप 1 की लेंथ है L1, पाइप 2 की L2, पाइप 3 की L3। पाइप 1 का डायमीटर है D1, पाइप 2 का डायमीटर है D2, पाइप 3 का डायमीटर है D3। पाइप 1 के केस में फ्रिक्शन फैक्टर है F1, पाइप 2 के केस में F2 और पाइप 3 के लिए F3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जितना डिस्चार्ज पाइप 1 में फ्लो करेगा उतना ही डिस्चार्ज पाइप 2 में और उतना ही डिस्चार्ज पाइप 3 में।
तो जब भी हम सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं, तीनों पाइप्स के जो डिस्चार्ज होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। मगर हेड लॉस की बात करिए, तो मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अभी के लिए मैं माइनर लॉसेस को निग्लेक्ट कर रहा हूँ, माइनर लॉसेस को क्या कर रहा हूँ, निग्लेक्ट कर रहा हूँ, माइनर लॉसेस को निग्लेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब पानी ऐसे जाएगा तो यहाँ एक्सपेंशन लॉस होगा ना, और फिर जब यहाँ पानी अंदर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन लॉस होगा, तो माइनर लॉसेस को निग्लेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए पाइप वन में जो हेड लॉस होगा एच एफ वन, वो क्या बन जाएगा, पी ए माइनस पी बी बन जाएगा, प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी डिवाइडेड बाय रो जी। तो मैं रो जी को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। और उसी तरह आपके पास पी बी माइनस पी सी क्या देगा, पी बी माइनस पी सी देगा रो जी एफ टू, पी सी माइनस पी डी क्या देगा रो जी एफ थ्री, है ना। सो जब आप तीनों को ऐड कर देंगे आपके पास फाइनली आएगा रो जी पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी डी, क्योंकि पी बी पी बी कैंसल, पी सी पी सी कैंसल, तो पी ए माइनस पी डी इज इक्वल टू एच एफ वन प्लस एच एफ टू प्लस एच एफ थ्री। यानी कि आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है जो टोटल हेड लॉस है वो तीनों लॉसेस का सम है, जो टोटल हेड लॉस होगा वो कैसे लिखा जाएगा, ए टू डी तक जो टोटल हेड लॉस होगा वो कैसे लिखा जाएगा, हेड लॉस इन पाइप वन, ठीक है, जो कि एफ डैश एल बी स्क्वायर बाय टू जी डी बन जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन हो रहा है अगर मैं उसको भी कंसिडर कर लू तो एच एक्सपेंशन होगा, फिर हेड लॉस, मेजर हेड लॉस इन पाइप टू, ठीक है, जो कि F2 L2 V2 square होगा, है ना, इसको F dash लिख लीजिए, friction factor लिख लीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ contraction दिखाई दे रही है, H contraction होगी, और फिर उसके बाद HF3, ठीक है, so इस तरीके से आप total head loss लिखेंगे system का, so यहाँ पे पांच पांच head losses दिखाई दे रहे हैं, HF1, H expansion, HF2, H contraction, HF3, so क्या होता है, पाइप की लेंथ जितनी ज्यादा होती है फ्रिक्शनल लॉस उतना ही ज्यादा होगा, उस केस में पाइप की लेंथ अगर ज्यादा है फ्रिक्शनल लॉस उतना ही ज्यादा होगा, उस केस में माइनर लॉसेस को निग्लेक्ट किया जा सकता है, इसलिए इनको माइनर लॉस बोलते हैं। अगर पाइप लेंथ बहुत ज्यादा हो तो मेजर लॉस की जो वैल्यू है वो माइनर लॉस के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होती है, तो माइनर लॉसेस को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका टोटल हेड लॉस लिखा जाएगा, सो टोटल हेड लॉस का मतलब क्या बन गया, वो बन जाएगा एफ वन डैश एल वन वी वन स्क्वायर बाय टू जी डी वन प्लस एच एक्सपेंशन। सो आपको याद होगा एच एक्सपेंशन को कैसे लिखते हैं, के एक्सपेंशन लिखते हैं, मगर इनकमिंग वेलोसिटी की टर्म्स में। सो यहाँ पे इनकमिंग वेलोसिटी क्या होगी, वी वन, सो बन जाएगा वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस एच एफ टू। सो एच एफ टू कैसे लिखा जाएगा, एफ टू डैश एल टू वी टू स्क्वायर बाय टू जी डी प्लस एच एफ एच कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन outgoing velocity की terms में लिखा जाएगा, यानी v3 की terms में। So k contraction v3 square by 2g और फिर hf3, यानी कि f3 dash l v3 square by 2g d3, ठीक है। So ये आपके पास total head loss आ जाएगा जब fluid a से b तक जा रहा है, ये आपके पास series connection है। अब देखिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विवेलेंट पाइप का। सो जब भी आपके पास पाइप नेटवर्क्स हो, ठीक है, जब भी आपके पास पाइप नेटवर्क्स हो, सो उस केस में क्या है, बहुत सारी पाइप्स हैं, है ना, सो उन पाइप्स के कॉम्बिनेशन को विद अ लॉट ऑफ अटैचमेंट्स, पाइप नेटवर्क्स हैं तो बहुत सारी पाइप्स होंगी जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन में अरेंज होंगी, उनमें बहुत सारे अटैचमेंट्स भी होंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, हम उस पाइप नेटवर्क को एज अ सिंगल पाइप स्टडी करना चाहते हैं। कैसे स्टडी करना चाहते हैं, सिंगल पाइप स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो मैंने पाइप नेटवर्क बनाया है, मैं इस पाइप नेटवर्क को एज अ सिंगल पाइप स्टडी करना चाहता हूँ। उस सिंगल पाइप का लेंथ है एल ई, सिंगल पाइप का लेंथ है, डायमीटर है डी ई। ई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट पाइप। क्या बोलेंगे इसको आप, इक्विवेलेंट पाइप। ठीक है, सो जब आप एक नेटवर्क को इक्विवेलेंट पाइप की तरह स्टडी कर रहे हैं, सो नेटवर्क का डिस्चार्ज और इक्विवेलेंट पाइप का डिस्चार्ज सेम होना चाहिए, नेटवर्क का हेड लॉस और इक्विवेलेंट पाइप का हेड लॉस भी सेम होना चाहिए, ठीक है।
सो आप क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज इन दिस पाइप इज सेम एज डिस्चार्ज इन दिस पाइप एंड हेड लॉस इन दिस पाइप HF इन इक्विवेलेंट पाइप इज इक्वल टू HF1 प्लस H एक्सपेंशन प्लस HF2 प्लस H कॉन्ट्रैक्शन प्लस HF3। मगर HFE हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे F-E फ्रिक्शन फैक्टर फॉर इक्विवेलेंट पाइप लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप मीन फ्लो वेलोसिटी इन इक्विवेलेंट पाइप बाय 2GDEDE। ठीक है, इक्विवेलेंट पाइप क्या होती है, जब आपके पास पाइप नेटवर्क होता है तो आप पूरे पाइप नेटवर्क को एज अ सिंगल पाइप स्टडी करते हैं, उस पाइप को हम इक्विवेलेंट पाइप बोलेंगे, उसकी लेंथ बन जाएगी LE, डायमीटर बन जाएगा DE। मगर पाइप नेटवर्क का टोटल डिस्चार्ज इक्विवेलेंट पाइप के डिस्चार्ज के बराबर होगा, पाइप नेटवर्क का टोटल हेड लॉस इक्विवेलेंट हेड लॉस के बराबर होगा। ठीक है, अब बात आती है पैरेलल कनेक्शन की। सो बाय द वे, मैं बहुत डीपली नहीं जा रहा हूं इन पॉइंट्स में, मैं उतना ही कवर अप कर रहा हूं जितना आपको गेट एग्जाम के लिए चाहिए। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन की, सो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पाइप आती है, वो दो पाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और फिर वो दो पाइप्स दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब जरा देखिए पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, इनकमिंग डिस्चार्ज है क्यू, वो डिस्चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो आपके पास पाइप 1 में डिस्चार्ज चला जाएगा Q1, पाइप 2 में डिस्चार्ज चला जाएगा Q2, सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, मगर दोनों पाइप्स के लिए पॉइंट A और B बराबर है, तो दोनों पॉइंट्स के लिए प्रेशर ड्रॉप कैसा है, प्रेशर ड्रॉप सेम है, तो दोनों पाइप्स के लिए हेड लॉस कैसा आएगा, सेम आएगा। सो दोनों पाइप्स का हेड लॉस आएगा HF1 इज इक्वल टू HF2। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। जब आप सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं तो तीनों सभी पाइप्स का डिस्चार्ज सेम होता है, मगर जब पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं टोटल हेड लॉस क्या होता है, सभी हेड लॉसेस का सम, मगर जब पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो सारी पाइप्स का हेड लॉस बराबर होगा और वही सिस्टम का हेड लॉस कहलाएगा, वही इस नेटवर्क का हेड लॉस कहलाएगा। ठीक है ना, सीरीज कनेक्शन में जो हेड लॉस है वो सारे हेड लॉसेस का सम है और पैरेलल में एक पाइप का जो हेड लॉस है वही पूरे नेटवर्क का हेड लॉस है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जैसे सीरीज के लिए, जैसे सीरीज के लिए इक्विवेलेंट पाइप लिखा, वैसे ही है इसके लिए भी, पैरेलल के लिए भी इक्विवेलेंट पाइप लिख सकते हैं, मगर पैरेलल में HFE जो है वो HF1 और HF2 के बराबर ही होता है, यानी कि HF के, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा UE² / 2GDE। ओके, सो ये बन गए पाइप नेटवर्क्स। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स एंड फ्लो थ्रू पाइप्स। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम काफी सफिशिएंट टाइम देंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स लाऊंगा मैं, वो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सबका मतलब क्या है, पाइपिंग सीरीज का मतलब क्या है, पाइपिंग पैरेलल का मतलब क्या है, और अगर हो सका तो मैं एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल लाऊंगा तो उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको रिवाइज करना है जो आपने कल पढ़ा है, जो आपने आज पढ़ा है। बाउंड्री लेयर हम पूरा कर चुके हैं, बीच बीच में एक आध क्वेश्चन मैं आपको स्टैटिक्स का दूंगा, होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन डायनेमिक्स का, एक क्वेश्चन बाउंड्री लेयर का, इस तरह से हम क्वेश्चन ऐड करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम इन टर्म्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स में ही हम हाइड्रोलिक पावर, वो पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप की बात करेंगे और ग्रेड लाइंस की बात करेंगे। ठीक है, और जब ये कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे सो हम हाइड्रोलिक मशीन्स पे मूव ऑन कर जाएंगे। सो हाइड्रोलिक मशीन्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ रीजेट्स और फिर हम टर्बाइन्स की बात करेंगे। सो आई होप आज क्लास में आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं, स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स समझ आए हैं और डेरिवेशंस भी समझ आई हैं और ये सारे फॉर्मूलाज आपने नोट कर लिए हैं। बाय द वे ध्यान रखिए, जो मैंने लास्ट में हाफ एन आवर में आपको फॉर्मूलाज बनाए हैं, इनमें मैंने कोई डेरिवेशन नहीं किया, इनमें मैंने कोई डेरिवेशन नहीं किया, क्योंकि उस डेरिवेशन का एक तो मतलब नहीं है और ज्यादातर ये जो टर्म्स निकाली जाती हैं रियल लाइफ में, ये एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही निकाली जाती हैं। ठीक है ना, तो आपको इन फॉर्मूलाज को एज इट इज याद करना, और गेट एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट लगाना है, गेट में, इसरो में, DRDO में, बाद में, हर जगह ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली लगेंगे। सो अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज चलते हैं, आज के लिए बस करते हैं।